यहाँ कोई आराम से चल भी नहीं सकता। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। थैंक्स रोबो बॉय, थैंक्स। तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अगर तुम न होते तो न जाने क्या होता। अरे क्या कर रहे थे तुम? अपनी ताकत का बहुत घमंड है क्या? बच्चे को कुछ हो जाता तो? जी, अब तुम जरा एक तरफ हो जाओ। इस घमंडी लाल पहलवान की अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। ये तुमसे नहीं मुझसे संभलेगा। जिंटू तुम? अरे चिंटू तुम यहाँ? वीर, ये मेरा दोस्त है चिंटू, और चिंटू ये है वीर, इमली, चुलबुल, ये सब मेरे दोस्त है। हाय चिंटू, आज से तुम भी हमारे दोस्त हुए। और चिंटू, अब सबको जादू दिखा दिया है तो भुला भी दो। अभी लो। वीर, मैं चिंटू के साथ घूम फिर के आता हूँ। हम दोनों कितने सालों बाद मिले हैं। और सुनाओ चिंटू, तुम्हारा चाट खाने का शौक अब भी वैसा ही है? अरे बिल्कुल, जैसा का तैसा है। मुझे तो आज भी चाट उतनी ही पसंद है जितनी पहले थी। वैसे वो दिन कितने अच्छे थे जब हम रोज खेला करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं और तुम साथ रहेंगे और बस रोज खेलेंगे, मस्ती मजा करेंगे। अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ और वीर से मिलने कभी कभी चले जाना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे अब वहीं रहना अच्छा लगता है। वहाँ की चाट अपनी जादुई चाट से भी अच्छी है। और सच बात तो ये है कि मैं अब वीर के बिना रह भी नहीं सकता। तो ठीक है, जाओ अपने वीर के पास। नहीं चिंटू, सुनो तो सुनो। ये चिंटू का गुस्सा अभी भी वैसा ही है, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आ ही जाएगा। मैं उसका यही इंतजार करता हूँ। मेरे दोस्त जिंटू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वीर, मैं तुम्हारी जिंदगी से जिंटू को दूर कर दूंगा। ऐसा झगड़ा लगाऊंगा कि तुम जिंटू को भगा ही दोगे। वीर वीर, ये लो, ये रही तुम्हारी शटल कॉक। मुझे क्यों मार रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? मैं बंटी हूँ। रुक जाओ, मुझे मत मारो। ये बंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं से चीख रहा हो। मैं यही हूँ। चिंटू, ये तुमने क्या किया? खबरदार, जो ऐसी हरकत फिर दोबारा की तो। करूंगा करूंगा, 100 बार करूंगा। वो हमेशा तुम्हें तंग करता है, तो मैं उसे तंग क्यों न करूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम मुझ पे जब देखो गुस्सा करते रहते हो। दोस्त तो चिंटू जैसा होना चाहिए, वो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करता। अगर तुम मेरे मालिक नहीं होते तो मैं तुम्हें छोड़ के चिंटू के पास ही चला जाता। तो जाओ अपने दोस्त चिंटू के साथ ही रहो, वीर से झगड़ा मत करो। ठीक है। वीर, इमली, चुलबुल, मैंने तुम लोगों के लिए गाजर का हलवा बनाया है। चलो बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप दुनिया के सबसे अच्छे दादाजी हो।
हेलो दादाजी। आओ आओ आओ, तुम भी बैठ जाओ और गाजर का हलवा खाओ। हाँ हाँ लीजिए, मैंने इसका टेस्ट अपने जादू से और भी अच्छा कर दिया है। अब ये मेरे दोस्तों को खिलाइए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। जिंटू कहाँ हो? जिंटू अब होगी फाइट। ये क्या मजाक है? तुम्हारी इतनी गंदी हरकत, पूरे घर में मेंढक क्यों फैला रखे हैं? वीर मैंने कोई मेंढक मेंढक नहीं फैलाई है। अच्छा, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो? ये सब तुम्हारी ही हरकत है। तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो जाओ, यहाँ उल्टी सीधी हरकतें मत करो। ये सब क्यों किया? इन्हें गायब करो। दिस इज एन ऑर्डर। ओह, तो बन गए ना मालिक, दोस्ती का ढोंग कर रहे थे आज तक। दादाजी आप ठीक तो है ना? अब इमली को सबक सिखाता हूँ। हाय इमली, साइकिल चलाने में नहीं उड़ाने में मजा है। बाय बाय। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब से तुम अपने दोस्त से मिलकर आए हो बदल गए हो। तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम इतना बदल जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बाय इमली, बाय चुलबुल, अब मैं कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन सुन लो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इमली, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर चिंटू मुझे छोड़ के जाना ही चाहता था तो वो ऐसे नहीं रोता। कहीं कोई थर्ड पार्टी हमें झगड़ा तो नहीं करवा रही? उसका दोस्त चिंटू तो इन सब के पीछे नहीं है। ओके ओके, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अब जाओ और अपने जिन लोग में रहो, हम एक साथ नहीं रह सकते। हाँ बस, जाने से पहले आखिरी बार हग कर लो। चिंटू कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। ओके ओके। अच्छा चिंटू, मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ। जाओ शाम तक सोच लो, मेरे साथ रहना है या अपने जिन लोग जाना है। शाम को आके बताना। ओके ओके, मैं शाम को आके बताता हूँ। शाम आने से पहले ही मैं तुम्हें इतना तंग कर दूंगा कि तुम चिंटू की शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। मुझे लगता है चिंटू अब सुधर जाएगा। शाम तक इंतजार नहीं कर सका, सोचा थोड़ा सबक तुम्हें भी सिखा दूं। तुम ही हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाते रहते हो ना। शर्म आनी चाहिए, वीर जैसे अच्छे दोस्त को तंग करते हो। वीर, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। ओके चिंटू, हम दोनों आज से साथ रहेंगे। और चिंटू, तुम
तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो। आज से तुम आजाद हो। वीर ये चिंटू नहीं है। कैसे नहीं है, ये चिंटू ही है। ये चिंटू हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये चिंटू है, चिंटू है, चिंटू ही है। नहीं, चिंटू मैं ही हूँ। देखो, उफ़, सॉरी। इतनी देर से तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे, क्या चाहते थे? मेरी और वीर की दोस्ती टूट जाए। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है, समझे? चिंटू, हम सब दोस्त बनके एक साथ रह सकते हैं। किसी को किसी से अलग करने की कोई जरूरत नहीं। चिंटू, तुम चिंटू के साथ जाओ और जब तक वो ना कहे तुम उसी के साथ रहना। वो कितने सालों के बाद मिलने आया है। I'm sorry, वीर, I am very sorry. आज से मैं तुम सबका दोस्त बन के रहूंगा। पकड़ो पकड़ो, लाओ इधर लाओ, लाओ पकड़ो, ये लो। बंटी, तुम सुधर जाओ, वरना वीर को बोल के ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखोगी। जब देखो वीर की धमकी देती है, मैं मिस्टर कक्कड़ को बोल के वीर को ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये भी याद रखेगी। सर, वीर ने मेरा होमवर्क रब कर दिया और पूरा टिफिन भी खाली कर दिया। वीर मुझे बहुत तंग करता है। ठीक है ठीक है, तुम सीट पे जाओ, आज मैं दिन भर उसे पनिश करूंगा। वीर, तुमने बंटी का टिफिन खाया, उसका होमवर्क मिटा दिया, अब जाओ पीछे बेंच पे खड़े हो जाओ। सर, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो अभी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर। जाओ बेंच पे खड़े हो जाओ और कोई सवाल जवाब नहीं। मैं भी देखता हूँ ऐसा कैसे होता है। मैं ऐसा जादू करूँगा कि अगर वीर को पनिशमेंट मिलेगी तो जो वीर को टच करेगा वो वीर पे तरस खा के वीर की पनिशमेंट अपने ऊपर ले लेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म पिकड़म दम दमादम। वीर, तुम बेंच पे क्यों खड़े हो, क्या बात है? सच सच बताओ वीर, क्या हुआ? कक्कड़ सर ने मुझे पनिशमेंट दी है जबकि मैंने कोई गलती नहीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। चलो चलो, तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हारे बदले बेंच पे खड़ी होती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, वीर की पनिशमेंट मैं लूंगी। He is a very good boy. नहीं नहीं, मैं पनिशमेंट लूंगी। वीर की पनिशमेंट तो मैं ही लूंगी। वीर, तुम जाओ। अरे अरे अरे, आप दोनों, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वीर की पनिशमेंट माफ करता हूँ, प्लीज आप लोग जाइए। नो 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 नो, अब मैं भी चाट खा के आता हूँ, वीर को अब कोई खतरा नहीं है। सॉरी, गलती हो गई, वीर को सजा देके मैं खुद बेंच पे खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओह, ये तो वीर का साथी है, इसकी और वीर की नहीं जमती है। वाओ, ये चॉकलेट मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बंटी, वीर कहाँ है? काश मैं उसे ऐसा सबक सिखा पाता कि वो मुझे कभी तंग नहीं करता। अरे 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 अरे, जाओ, आज से वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा, मेरा वादा है तुमसे। अंकल, थैंक यू। बंटी बेटा, क्या मैं वो चॉकलेट टेस्ट कर सकता हूँ? व्हाई नॉट अंकल। अंकल, भूलना मत, उसे ऐसा सबक सिखाना है कि
ताकि वो मुझे कभी तंग ना करे। हाँ हाँ तुम जाओ, आराम से जाओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। सुनो, वीर को ऐसा सबक सिखाना है कि वो बंटी को कभी तंग ना करे। हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम कभी बंटी को तंग नहीं करोगे। क्या हुआ वीर? चड्ढा अंकल ये कह रहे हैं कि ये वीर को सबक सिखाएंगे, वीर कभी बंटी को तंग ना करे। लेकिन मैंने तो बंटी को कभी तंग नहीं किया। ये वीर मेरा बच्चा है, मेरी गोद में पला बढ़ा है, इसकी जगह मुझे सबक दो। मुझे सबक सिखा दोगे तो बंटी को कभी कोई तंग नहीं करेगा। चलो सिखाओ मुझे सबक, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, दोनों को साथ में ले चलो। तुम इन दोनों को छोड़ दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। बहुत चटर पटर कर रही है ये, इसे भी साथ ले चलो। ए, तुम दोनों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। ए, चीमा, ए, दो इसे घुमा के। ये तो वीर की जगह मिस्टर चड्ढा और इमली को ले आए हैं। छुप के रहने में ही भलाई है। इमली तुम कहाँ हो? पता नहीं, कोई टूटी फूटी फैक्ट्री लगती है। तुम उधर मुंह झुका के क्या कर रही हो? इमली तुम अपना फोन ऑन रखो, मैं इसे ट्रैक करके आ जाऊंगा। इधर आओ। हमें छोड़ दो वरना रोबो बॉय आके तुम्हारा वो हाल करेगा। रोबो बॉय वो कौन है? आने दो उसे। ए, तू कौन है? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रब बॉय। चड्ढा अंकल और इमली को छोड़ दो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। शीमा शीमा करीमा, मार मार के इसका भुर्ता बना दो। नहीं नहीं, वीर को हम नहीं मार सकते, उसकी जगह हम पिटेंगे। पागल हो गया है क्या? उसका साथ देगा वीर का? वो हमारा दुश्मन है। लगता है अब से ये भी अच्छाई का साथी बन गया है। चलो इसे भी मारो। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा, वीर की जगह मैं ही पीटूंगा, मैं ही पीटूंगा वीर। इसे भी मारो, दो जमा के इसे। अरे अरे रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? दुश्मन को मारो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं 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 नहीं, वीर को हम नहीं मार सकते, जोर का झटका जोर से। कैसे हो वीर?
जो काम मेरे बॉस के रोबोट नहीं कर पाए वो मेरे साथियों ने कर दिया। भीमा खत्म कर दो इसे, बॉस देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अभी लो। हम एक दूसरे को मारपीट क्यों रहे थे? पता नहीं, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो यहाँ से। अरे अरे मुझे अकेला छोड़ के क्यों भाग रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक जा। वीर, मैं यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं अंकल, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि आप गुंडों को मार मार के भगा रहे थे। मैं गुंडों को मार मार के भगा रहा था? वेरी गुड, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा था? एक लंबी कहानी है, जाने दीजिए।